हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो जो गुजरात हाउसिंग बोर्ड जहांगीराबाद सूरत में स्थित है, जो नया कॉम्प्लेक्स बना है, उस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जो नया कॉम्प्लेक्स बना है उसके बारे में हम लोग आज एक वीडियो को करने वाले हैं। जो हर एक सब्सक्राइबर का ये रिक्वायरमेंट था कि जो सैंपल फ्लैट जो नहीं देख पा रहे हैं, जो जिसका मकान जहाँ पर लगा हुआ है, जो पोजिशन कब मिलेगा, सैंपल फ्लैट कैसे है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, क्या है, वो आज हम सब ये वीडियो में देखने वाले हैं। जो पुराना जो अपना गुजरात हाउसिंग बोर्ड का जो प्रीवियस में बनाया हुआ था जो कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग था, पर जो फ्लैट के नीचे जो पार्किंग देना चाहिए वो पार्किंग नहीं था। इसके अंदर सब गवर्नमेंट ने पूरा सही तरीके से, पूरा प्लानिंग से एक पार्किंग का स्पेस बनाया हुआ है, और उसके लिए यहाँ पे जो दो लिफ्ट दी हुई है, और एक फ्लोर पे टोटल आठ मकान बनाए हुए हैं। ये जो पार्किंग का स्पेस है, ये जो दादर है उसका स्पेस भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो है उसमें दो लिफ्ट दी हुई है। तो दो लिफ्ट के बगल में एक सैंपल फ्लैट का एक बनाया हुआ है, जो सैंपल फ्लैट हम लोग आज देखेंगे। जो उसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, स्पेस भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये एक सैंपल फ्लैट है जो हम लोग देखने जा रहे हैं। ये उसका हॉल है और बहुत बढ़िया है, स्पेस दिया हुआ है 12.5 लाख में। इससे बढ़िया फ्लैट अपने को नहीं मिलेगा। और ये बालकनी है, इसमें स्लाइडर भी आएगा, स्लाइडर लगाना बैलेंस है। ये गैलरी है, गैलरी के बैक साइड वाला एरिया है, जो बैक साइड में सब है वो बैक साइड का एरिया है। ये एक हॉल है, इसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे। ये एक रूम है, ये एक दूसरा रूम है, ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है, ये बेसिन है, और ये किचन है। किचन में एक चौकड़ी दिया हुआ है, ये अभी थोड़ा रिनोवेशन बाकी है, साफ़ सफाई करना बाकी है। तो ये हिसाब से 1 BHK का एक सैंपल फ्लैट है, जो कस्टमर के लिए ओपन करके रखा हुआ है। ये हॉल है पूरा। ये उसके बगल में एक PMC का ऑफिस है, ये भी सेम है। एक हाँ, ये हम लोग इधर से आगे जाएंगे तो टोटल एक फ्लोर पे 8 मकान बनाए हुए हैं और 2 लिफ्ट दी हुए हैं। ये बाहर का व्यू है, ये वॉचमैन बैठे हुए हैं। ओके, और ये पार्किंग का एरिया दिया हुआ है, जो बेसमेंट में अपना जो बिल्डिंग के नीचे जो पार्किंग दिया हुआ है, पार्किंग का स्पेस भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो पार्किंग का भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्रीवियस में जो प्रॉब्लम आते थे पार्किंग के, जो प्रीवियस में जो बनाया हुआ है, वैसा इसमें नहीं रहेगा। और स्पेस भी बहुत ही बढ़िया स्पेस दिया हुआ है, जो पार्किंग का कोई समस्या नहीं रहेगा। अभी ये कंस्ट्रक्शन चालू है, मतलब अपना ये जो है वो अप्रैल मई तक इनका देने का प्लान है। बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, फायर का लाइन भी दिया हुआ है इसके अंदर। हर एक जगह पर फायर का लाइन होता ही है, फायर का लाइन भी दिया, इतना बड़ा से स्पेस दिया हुआ है। और आप देखिए कैसा एकदम बढ़िया सा लुक लग रहा है। ये प्रीवियस वाले जो गुजरात हाउसिंग बोर्ड के पहले वाले जो मकान है, 2 BHK, 3 BHK, वो सब फ्लैट्स दिए हुए हैं। अभी हम लोग आगे जाएंगे। ये DG जो इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, वो उसके लिए दिया हुआ है, जनरेटर है। तो अपना जो पावर सप्लाई कहीं पे जाएगा तो यहाँ से कंटिन्यू अपने को मिलता रहेगा। ये देखिए कितना बड़ा स्पेस दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा स्पेस दिया हुआ है। 13 फ्लोर, ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर का ये मंजिल है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्पेस, बहुत ही बढ़िया स्पेस।
मतलब एकदम प्लानिंग से बनाया हुआ। पहले जो प्लानिंग था वो प्लानिंग प्रॉपर नहीं था, अभी वो जो प्लानिंग को देख के ये कॉम्प्लेक्स में पूरा अलग से चेंजेस किया हुआ है और चेंजेस करके बनाया हुआ है। आपके लिए इतना वीडियो हम लोग निकाल रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो थोड़ा क्या मोटिवेशन मिले। ठीक है, और ये बिल्डिंग का जो नाम दिया हुआ है ये B3 करके बिल्डिंग है, जिसका फ्लैट होगा B3 बी बिल्डिंग में उसका दिया हुआ। उसका अभी पार्किंग का काम अभी चल रहा है, फाइनल स्टेज में ही सब आया हुआ है, फाइनल स्टेजेस सब चल रहे हैं, फाइनल स्टेज में है। मतलब अभी 2-3 महीना लगेगा ही लगेगा, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून में भी, जून तक आपको सबको अलॉटमेंट हो जाएगा। ये पुराना कॉम्प्लेक्स है सामने वाला, और ये नया कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए आलीशान 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 स्पेस दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया स्पेस दिया हुआ है। ये देखिए दूसरा जनरेटर दिया हुआ है यहाँ की बिल्डिंग वालों के लिए, मतलब कॉमन में दिया हुआ है। और अब बिल्डिंग देखिए कितनी बढ़िया बिल्डिंग दी हुई है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हुए, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये देखिए व्यू कैसा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है, अभी फाइनल स्टेज में ही है, आपके लिए रेडी है ये भी, ऐसा पोजीशन जिसमें आपको रहने का बहुत ही मज़ा आएगा। प्रीवियस वाले जो मकान थे उससे कहीं 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 गुनिया गुना बेहतर बेटर है। ये देखिए पानी का टंकी भी अंडरग्राउंड दिया हुआ है, ये देखिए उसका व्यू देखिए, कलर भी एकदम आलीशान कलर, रिच कलर दिया हुआ है। ये इनसाइड वाला व्यू है पूरा, इनसाइड में अभी किसी ने व्यू देखा ही नहीं है, तो इनसाइड वाला व्यू आपके लिए लेके आए हुए हैं कि इनसाइड में कैसा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। ये देखिए पूरा एकदम बढ़िया सा बनाया हुआ है। हम लोग इधर से आगे जाएंगे, स्ट्रीट लाइट भी दिया हुआ है, हर एक पोल दिया स्ट्रीट लाइट में। ये B3 हमने देखा, उसके बगल में B4 है, ये B10 11 ऐसा करके पूरा लाइन में दिया हुआ है। ये आगे गार्डन का काम, अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जो गार्डन का मेंटेनेंस है मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये देखिए एकदम बढ़िया सा, बस बस अभी फाइनल स्टेज है आपका, आपका सपना जो है जिसका घर नहीं है उसका घर अभी आपका हो जाएगा, बहुत ही जल्द आपको पोजीशन मिल जाएगा। और इतना आलीशान मकान है जहाँ पे बाहर में मेट्रो का प्लान हो गया है, मेट्रो आ रही है, तो ऑलरेडी यहाँ के मकान के फ्लैट्स के भाव ऐसे ही बढ़ जाएंगे। और रहने के लिए बहुत ही आलीशान है, जो एकदम रिच लुक लगता है। आप देखिए एटमॉस्फेयर भी कैसा एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा है ना 12.5-13 लाख में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा फ्लैट जो गवर्नमेंट हमको दे रही है। ठीक है, तो ये था आपके लिए ये सबका, और ये था आपके लिए गुजरात हाउसिंग बोर्ड का छोटा सा वीडियो। और हाँ, एक दूसरा चीज़ बताना रह गया, जो अपना जो ये सब जो बिल्डिंग बनाया हुआ है उसके ऊपर सोलर पैनल भी लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसके लिए हम लोग उसको बिल्डिंग में ऊपर सोलर पैनल भी बिल्डिंग के ऊपर दिए हुए हैं, जो बहुत ही बढ़िया है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इसका यूज़ किया हुआ है। तो आप ये जगह को एंजॉय कीजिए, और कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत ही बढ़िया कमेंट कीजिए, और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।